अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। डेली रिव्यू की एक नई एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जिस चीज़ का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज़ रेडमी नोट 10 प्रो। तो चले चलते हैं, अनबॉक्सिंग भी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इसके फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी, डिवाइस आ गई हमारे हाथ में। सबसे पहले आपको फ्रंट के ऊपर, बॉक्स के फ्रंट के ऊपर आपको नजर आ जाएंगे इसके तीन कलर्स। दो कलर्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, तीसरा कलर है ब्लैक, जिसका आपको फ्रंट नजर आ रहा होगा। कॉस्मिक ब्लू है, रेडियंट ब्राउन है और ब्लैक। हमारे पास जो डिवाइस है ये, वो देख लेते हैं कौन से कलर की डिवाइस है, ये मैंने अभी तक देखी नहीं है। खैर, साइड पे इसके जो है रेडमी का स्लोगन है दैट इज रेडमी नोट 10 प्रो विद ईजी एक्सेस टू द ग्लोबल एप्स यू यूज मोस्ट। बड़ा जबरदस्त स्लोगन दिया हुआ है। अच्छा जी, साइड पे पीटीए की एक स्टैंप लगी हुई है दैट इज सिर्फ पीटीए से तस्दीक शुदा डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस ही खरीदें, बाय ओनली पीटीए अप्रूव्ड डिवाइसेस। इसकी रीज़न ये है नाज़रीन के आप पाकिस्तान में पीटीए ने एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ कराया है जिसके मार्केट में आने के बाद कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि पीटीए से अप्रूव नहीं है आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। बैक पे आते हैं सर, बैक पे इस पर वारंटी कार्ड दिया हुआ है और ये कोरटेक कंपनी है जो ये वारंटी जिसे आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं या जो वारंटी मार्केट में थ्रो कर रही है। ये लाहौर की कंपनी है सर। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसका कलर और साइड पे हमें दी हुई है दो तीन चीज़ें इसके स्पेक्स के बारे रिगार्डिंग वर्क किया है। इस साइड के ऊपर इसका कलर भी मैंशन है जिसमें लिखा हुआ है रेडमी नोट 10 प्रो ऑनिक्स ग्रे। मैं जो ब्लैक कलर बोल रहा था दैट इज ऑनिक्स ग्रे। ठीक है। और जो वेरिएंट मेरे हाथ में अभी इस वक्त अवेलेबल है वो 6GB 128GB रैम के साथ अवेलेबल है। सो पाकिस्तानी मार्केट में इसके दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं जिसमें एक 6GB और 128 के साथ और दूसरा 8GB 128 के साथ। सो यहाँ पे आपको जो चीज़ें इसके स्पेक्स के बारे में रिगार्डिंग यहाँ पर इसके बाय डिस्क्रिप्शन मिलती हैं दैट इज ये 6GB और 128GB के साथ है। सो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी इस डिवाइस की कैसी है। जो अपने फीचर्स मुझे पता चले उसके हिसाब से तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अब अनबॉक्स करेंगे तब भी पता चलेगा। तो चलें, सो चलें इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देख लेते हैं। डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी ये जो चीज़ अभी तक मुझे पता चली है उसके अकॉर्डिंग तो डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अभी डिवाइस हमारे हाथ में आएंगे तभी हम उसको टेस्ट कर सकें। पहले जो चीज़ हमारे हाथ में आई जो टेबल के लिए दैट इज वारंटी कार्ड। ये लोकल मार्केट का वारंटी कार्ड है जो कि कोरटेक प्रोवाइड कर रही है और आपकी कोर बात पता चल गई। अभी इसकी वारंटी स्टार्ट भी नहीं हुई, 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। सो इसको रखते हैं साइड पे और आते हैं डिवाइस। इसके ऊपर एक और रैपर चढ़ा हुआ है। सबसे पहले जो आपको डिवाइस के बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है दैट इज अ केस विद अ पेपर वर्क। मोस्ट प्रॉब्ली यस इट इज। ये थी रेडमी की मैनुअल गाइड जो कि कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसका रिव्यू दूंगा। पढ़ना लाजमी होती है थोड़ी सी अच्छा गाइड के लिए, लेकिन आज के लोगों ने इतनी डिवाइस इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, ये तो इसका पेपर वर्क हो गया। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलती है वो इसका सिलिकॉन केस है जो जिसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। यस, इसमें ग्लॉसी लुक और इसकी जो केस के साइड पे जो माउंट दिया हुआ है और इसके अंदर ये हॉलोनेस शो कर रही है कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड है। बैक पे एक चार कैमरों के सेटअप के लिए बड़ा अच्छा एक स्पेस अवेलेबल है, ऊपर भी काफ़ी सारी स्लॉट्स हैं। सो देखते हैं, अभी तक तो सिलिकॉन का ये केस बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको रख लेते हैं साइड पे। पेपर वर्क में और कुछ अवेलेबल नहीं है, एक सिम इंजेक्टर टूल है ये भी रख लेते हैं साइड पे। इसका तो जो डिवाइस पे आते हैं सर, डिवाइस की ब्रांडिंग के ऊपर सबसे पहले जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर जो डिस्प्लेक्स इसके बारे में मैंशन है वो है सबसे पहले इसमें जो हाईलाइटेड फीचर है जो मार्केट में बहुत ही
इस प्रोडक्ट को हाईलाइट करा था, दैट इज 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। उसके बाद सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर जो है वो इसका रिफ्रेश रेट है, वो 120 हर्ट्ज़ के ऊपर है, और इतनी कम रेंज के फ़ोन के प्राइस के ऊपर दिस इज समथिंग वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी। उसके बाद सर आगे आ जाते हैं तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर लगा हुआ है, दैट इज स्पेशली डिजाइन प्रोसेसर फॉर द गेमर्स, मिड रेंज प्रोसेसर है, इट्स नॉट अ फ्लैगशिप प्रोसेसर, बट 732G इज स्पेसिफाइड फॉर द गेमर्स, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। अच्छा जी, इसके बाद जो चौथी चीज़ यहाँ पे मेंशनड है और द लास्ट वन है बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को यहाँ मिलेगी। सो डिवाइस को खोल लेते हैं अनरैप और इसके बैक के ऊपर आते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट पे भी और बैक पे भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, बैक के इसके जो ये कैमरे का सेटअप है दैट इज वेरी प्रीमियम, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, बड़ा खूबसूरत लुक दे रहा है, ग्लॉसी लुक है। अच्छा, इसके अंदर चार कैमरों का सेटअप है, चार कैमरे क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें सबसे हाईलाइटेड फीचर जो है इसका 108 मेगापिक्सल का इसका मेन फोकल कैमरा है। उसके बाद आ जाता है 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का इन डेप्थ सेंसर आ जाता है रिस्पेक्टिवली। साइड पे आपको दिया हुआ है एक एम्बियंस के लिए आपको एक सेंसर दिया गया है और LED फ्लैश लाइट दी गई है। उसके बाद ब्रांडिंग लिखी हुई है रेडमी की और बाकी मेड इन चाइना लाइक दिस। साइड पे आते हैं तो साइड पे आपको फिंगरप्रिंट माउंट मिलेगा, उसके बाद आपको वॉल्यूम के बटन मिलेंगे और इस फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही आपका पावर बटन एक ही बटन में माउंट है। ऊपर की अगर आप लुक की बात करें तो आपको इन कर्व डिस्प्ले नजर आएगा और उसमें आपको हेडफोन जैक नजर आएगा जो कि आजकल मोस्टली डिवाइसेस में नहीं आ रहा। आपको साथ एक स्पीकर की स्लॉट भी मिलेगी, इसके साथ आपको आईआर ब्लास्टर मिलेगा और नॉइस कैंसिलेशन माइक की भी प्रीमियर टॉप पे दी गई है फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर आप नीचे की बात करते हैं तो टाइप सी केबल, आपको केबल की चार्जिंग स्लॉट मिलेगी, उसके साथ आपको मिलेगा स्पीकर, जिससे ये बात साबित हो रही है कि ये डिवाइस ड्यूल माउंटेड स्पीकर के साथ मार्केट में अवेलेबल है। साइड पे आपको फिर एक दफा मिलेगा माइक जो कि नॉइस कैंसिलेशन के साथ है। साइड पे अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको सिम की स्लॉट मिल जाती है, साइड माउंटेड है, पिन मेरे पास है अवेलेबल, देख लेते हैं सिम स्लॉट भी निकाल करके इसमें किस किस चीज की प्रोविजन दी गई है। सो नाजरीन, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कार्ड की प्रोविजन और दो सिम्स की डेडिकेटेड प्रोविजन मिलेगी जो कि बड़ी ही जबरदस्त चीज है। 128 GB भी मेमोरी काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी कार्ड अच्छा होता है, कभी कभी आपकी मेमोरी 128 GB मेमोरी भी आपके लिए कम पड़ जाती है, सो आपका ये मसला भी हल हो गया। फोन को कर लेते हैं ऑन और देख लेते हैं इसका डिस्प्ले जो कि इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ से सब मार्केट में अवेलेबल है। सो ये डिवाइस होने लगी है बहुत ही वाकई। डिवाइस ऑन होती है, हमारा सेटअप होता है तो मैं आपको उसके डिस्प्ले के बारे में बता रहा हूँ कि ये एमोलेड डिस्प्ले है जो कि इसको डिस्टिंग बनाता है बाकी मार्केट में इस प्राइस रेंज में जो डिवाइसेज अवेलेबल हैं उनसे। और सेकंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसका 120 हर्ट्ज़ के ऊपर इसका जो रिफ्रेश रेट है वो इसको इस प्राइस रेंज में आई थिंक सो एक फ्लैगशिप डिवाइसेज के द्वारा इतना रिफ्रेश रेट आ रहा है, लेकिन ये इसको बहुत ही डिस्टिंग बना रहा है इस प्राइस रेंज में इस डिवाइस को। सेटअप हो गया इसका कंप्लीट, और हमें सबसे पहले जो इसकी कुछ चीज़ नजर आती है मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बता दे दूँ कि हमें प्री इंस्टॉल्ड इसके ऊपर एक प्लेटर नजर आता है जो कि इसको स्क्रैच हो जाएगा। वैसे भी इसके ऊपर क्लियर गुलाब टाइप की प्रोटेक्शन हासिल है तो काफ़ी हद तक ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होगा,
बैक की अगर बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट्स को ले रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये वैनिश भी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन एक प्रीमियम लुक दे रहा है। सो डिवाइस हो गया ऑन और डिस्प्ले बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं डिस्प्ले कर देता हूँ इसका हाई लेमिनेंस वे पर, आप अगर देख रहे हो तो इसका डिस्प्ले बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। डिस्प्ले इसका 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है, जबकि इसके काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है और उसके ब्रेजल्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। ऊपर से तो इसके ब्रेजल्स काफ़ी कम है, नीचे से थोड़े से फील हो रहे हैं। और इसके अलावा सर ये डिवाइस बहुत ही हैंडी है आपके हिसाब से, मतलब यूजेस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी डिवाइस 6.67 इंचेस की डिस्प्ले के साथ। एक और चीज़ जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताते चलो, इसकी रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल्स के साथ है विद एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 20:9 और इसकी 395 PPI डेंसिटी है पिक्सल्स के हवाले से। आगे आए थे तो सर इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मिला है एंड्रॉइड का 11 MIUI 12 के साथ और चिपसेट इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 732 के साथ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको अनबॉक्स करने से पहले बता रहा था कि ये स्पेसिफिकली डिजाइन है फॉर द गेमर्स। फोटो की बात करते हैं तो हम सिम इजेक्टर की आपको एक पिक बनाकर बताते हैं किसका रिजल्ट कैसा। सो ये हमने एक पिक बनाई और लुक एट दिस, काफी डिटेल इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कैमरा इसका बहुत अच्छा है, मैं कुछ ऐसी तस्वीरें भी शेयर कर दूंगा जो आउटडोर हो, अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो जैसे ही मैं आउटडोर की तस्वीरें शूट करूंगा तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूंगा। और इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बन सकती है इसके कैमरे के फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से, इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड करूँगा। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि जो पहले मैंने डिवाइस अनबॉक्स की थी दैट इज़ पोको F3, उसके भी कैमरे का रिव्यू रहता है, तो जल्द ही इंशाल्लाह वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और इंशाल्लाह हो सकता है कि 1-2 दिन के गैप के साथ आपको रेडमी नोट 10 प्रो का भी कैमरे का रिव्यू मिल जाए। चले सर इसके बाकी बॉक्स की तरफ आते हैं, बॉक्स में देख लेते हैं बाकी क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको मिलती है Type-C की केबल, और केबल को खोलने से मुझे जो अंदाजा हो रहा है कि ये फास्ट केबल चार्जिंग के साथ अवेलेबल है और ऐसा ही है जी के। ये जो रेड कलर का आपको इसके अंदर जो कलर नज़र आ रहा है ये शो करता है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। केबल अप्रॉक्सीमेटली 1.25 मीटर्स की है। उसके बाद चार्जर की बात कर लेते हैं, चार्जर आपको काफ़ी हैवी है चार्जर, और चार्जर की ऊपर भी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाँ जी, ये जी आपको चार्जर जो है 33 वॉट्स की चार्जिंग देता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि इसके अंदर आपको मिलेगी 520 mAh की बैटरी, 5020 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि काफ़ी हैवी बैटरी, जिसकी वजह से तो वेट भी थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि डिवाइस बाकी डिवाइस जो F3 पोको F3 मैंने अनबॉक्स किया था, जैसे पहले वीवो V20 को अनबॉक्स किया या V21 को अनबॉक्स किया था, उसके मुकाबले में ये डिवाइस काफ़ी हैवी है। दूसरी चीज़ जो कंपनी इसके बारे में क्लेम करती है वो ये है कि ये 30 मिनट्स के अंदर 59% चार्ज करता है। जो कंपनी की एडवर्टीजमेंट के अंदर इसके अंदर एडवर्टीज आया है वो ये है कि ये मोबाइल आपको अगर 0% ड्रेन हो गया, बिल्कुल ड्रेन हो गया, आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा क्योंकि आज की हमारी यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें ये मोबाइल जो आपकी डिवाइस है ये 0 से 59% के ऊपर जस्ट 30 मिनट्स के अंदर जाती है। इसके अलावा अगर आप बात कर लें कि इसकी प्राइस रेंज के अंदर जो बाकी डिवाइसेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लॉन्च हुई हैं अभी रिसेंट पास्ट में, जैसे कि वीवो V21 लॉन्च हुआ है, उसके अलावा आपका A52 है जो इसके कंपिटिटर्स हैं, उनमें इसकी प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो ये 44,000 की प्राइस रेंज में आ रहा है, जबकि इसका सैमसंग का जो A52 है वो इससे काफ़ी महंगा है। तो स्पेक्स में भी ये इसको बीट कर रहा है और प्राइस में भी इसको बीट कर रहा है। अगर V21 की बात की जाए या ओप्पो की बात की जाए, F17 Pro है, इस तरह की डिवाइसेज जो इसकी कंपिटिटर्स हैं, तो उस प्राइस रेंज में ये बहुत ही कंपिटेंट डिवाइस है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, विद द हेल्प ऑफ फीचर्स। इसके फीचर्स बहुत ही आउट क्लास हैं विद द रेस्ट ऑफ द मार्केट, जो इसकी कंपटीशन था जिन डिवाइस। ऐसी डिवाइस नहीं है जो मैंने अभी आपको गिनवाई है जिसमें तीन मेन ब्रांड्स गिनवाए, जिसमें सैमसंग है, वीवो है
और तीसरी जो है ओप्पो, जो हमारी पाकिस्तानी लोकल मार्केट में फ्लोट कर रही है। तो इनमें से कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो 108 मेगापिक्सल के साथ अपनी इस डिवाइस को लॉन्च किया हो जिसने। सो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि पोको एफ थ्री के बारे में बात कर रहा हूँ। जब पिछली मेरी एफ थ्री की वीडियो आई थी पोको एफ थ्री की, उसमें उन्होंने जो प्रोसेसर यूज़ किया था वो फ्लैगशिप था, और इसमें इस मोबाइल में ये जो रेडमी का नोट 10 प्रो मेरे हाथ में उठाया हुआ है, इसमें इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसके प्रोसेसर पे, और इसको डिग्रेड करते हुए 735 732 गेमिंग प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया। लेकिन इसमें इनमें जो कैमरा इन्होंने यूज़ किया दैट इज़ 108 मेगापिक्सल, जो कि इसको बाकी डिवाइस से डिस्टिंग्विश करती है। सो ये तो था आज का हमारा रिव्यू रेडमी नोट 10 प्रो का। अगर इसके अलावा आप किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहते हैं, लाइक रेस्टोरेंट हो गया, इसके अलावा आपका कोई हिल स्टेशन हो गया, उसके अलावा कोई होटल, एनीथिंग वट एवर यू लाइक, हम उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।